छत्तीसगढ़ का, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है भाजपा, तो भाजपा के सभी प्रकोष्ठों का संयुक्त सम्मेलन आज होने वाला है। तो भाजपा के सभी प्रकोष्ठों का संयुक्त सम्मेलन आज होने वाला है। 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से जनता के बीच जाना है, सम्मेलन में शामिल होंगे। तो भाजपा के सभी प्रकोष्ठों का संयुक्त सम्मेलन आज होने वाला है। 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से जनता को भाजपा साधेगी। सम्मेलन में शामिल होंगे 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि। तो मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता स्वप्निल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस तरीके से सूची जारी हो गई है, अब उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और तेजी लाने वाली है, सम्मेलन होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? जी, निश्चित रूप से कल भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और उसके बाद भाजपा ने अपनी तैयारियां जो है और तेज कर दी है और इस कड़ी में आज सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का सम्मेलन जो है प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में रखा गया, जिसमें 17 प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो शामिल होंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक, जनता के बीच में कैसे लेकर जाना है और किस तरह जो आने वाले दिनों में अभियान चलाया जाएगा उसको लेकर जो है सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। और पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके तहत दीवार लेखन, बूथ, हर बूथ में जो जितने घर आते हैं वहां पर भाजपा का जो झंडा लगाना है, इन तमाम जो योजनाएं हैं उसको जो है तेज गति प्रदान करने के लिए जो है ये सम्मेलन आज रखा गया है और इसमें पूरे प्रदेश भर के जो है 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता जो है शामिल रहेंगे। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री पवन साय समेत तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और जो केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच ले जाने, आने वाले दिनों में जो लाभार्थी सम्मेलन होने हैं उसको लेकर जो है बैठक में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए स्वप्निल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है अब भाजपा। आपको बता दें कि भाजपा के सभी प्रकोष्ठों का संयुक्त सम्मेलन है आज।